इतना हथियारों से ज्यादा निशान सिर में है, टांगों में है, हथियार पुआड़ा मिला तो आप देख सकते हैं जो मर्डर हुआ है अमित का, उसकी कागजी कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन सदर थाना। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों का नमस्कार। अभी एक बड़ी खबर आई है। सुदकण कला है जो वहाँ का एक लड़का था जिसका मर्डर हुआ है, तो ऐसे में परिवार के लोग पहुँचे हुए हैं। कैसे क्या हुआ वो परिवार के लोगों से जानेंगे, क्योंकि नरवाड़ा के सिविल हॉस्पिटल में डेड बॉडी यहाँ पर लेके आए हैं पोस्टमार्टम के लिए। उनके पिताजी हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्या नाम है? अजीत जी। किसका मर्डर हुआ आपको? कितनी ले ले थोड़ा मेरा भाई एक लड़का है। तो अमित किस समय गया था? ये सुबह उठते गए आज 4 बजे। डेली का पैदा बने आप? कभी चला जाता था, कभी ना भी जाता। कोई शारीरिक फोन में इस्तेमाल पकड़ाने का पैदा ना कोई बीमारी नहीं? सुबह तो वो पानी भरे करता है, सुबह वाटर सप्लाई का, और पानी आवा है एक दिन छोड़ते एक दिन, ठीक है। तो आज पानी का दिन नहीं था, तो वो उठ कर बाहर चले गए। अभी मैं तो अंदाजा है कि 4-4:30 बजे उसके बाद उनने बताया था इस तरह से। वहाँ पर ये गांव से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर तरखा वाले रास्ते। तो रात तो थोड़े वेरिफिकेशन पूछताछ करते हो? हाँ, गांव वालों ने बताया, ऐसे ऐसे बाजू का नाम लिखा हुआ है, अमित नाम है, और हो सका है वो दिखा है यहाँ पर। तो शरीर को क्या लगता है कि कोई निशान चोट? हाँ, तेज धार हथियारों से ज्यादा निशान सिर में है, टांगों में है, भाव में है। तो कोई हथियार भी मिला? हथियार पुआड़ा मिला। तो आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे के साथ किसी की दुश्मनी हो? कोई रंग कोई दुश्मनी थी वो किसी को? अभी पैसे का धमाका नहीं है। कुछ घर में कुछ कहे तो कोई नोटिस है, कोई नोट वगैरह लिखा गया हो? भाई मैं ना जी ना जा रहा हूँ घूमने। कुछ नहीं लिखा जी, वो चला जाए करता, नहीं कदे चला जाता कदे नहीं जाता। हाँ, तो डेड बॉडी अभियान पोस्टमार्टम? हाँ, पोस्टमार्टम करवाने के लिए। तो ऐसे तो साहब वगैरह के इंतजार? हाँ, इनकी पुलिस वाले पुलिस गई थी, सारी रिपोर्ट लिख दी है। अभी तो जांच का विषय है भाई, जल्दी से जल्दी जैसा भी ये कांड हुआ इसके प्यारे पकड़े जाए। सर क्या कहना चाहोगे? सर आम इस प्रकार से एक भाई ये साल के लड़के की हत्या कर, ये कोई पहलवाजी का बंदा नहीं था। 4:30 उसका घूमन था वहाँ, बिल्कुल फिर मेरा परिवार का 5:30 बजे गया है, तो उसने डेड बॉडी देखी इसके रुझा के पास। हमारे गाँव का खेत है, दुआना का खेत है, ठीक है नी। थोड़े सारे गाँव वाले गए हैं, उसका लखपत खून से दादा था, उसका जो चेहरा है चेहरा प्रेरण में नहीं आता, बाजू कटरी है, टांग कटरी है, आंगली कटरी है, उसका जो कुहाड़ा से लग रहा है निशान उसका बेप्रेण का हो। अच्छा, तो उसके नाम से पता लग गया है भाई ये मीत लड़का उसका है। अच्छा, वो पहले नाम खुदवाया हुआ है? हाँ, नाम उसका, ठीक है। बाकी और तो किसी गलत कोई उसकी थी दसबाजी किसी गलत नहीं थी, ना कोई बैंदी था ना कोई किसी गलत उसकी दवेश था, ठीक है। सर क्या कहना चाहोगे? एक सर आम हत्या कर दी जाती है लड़के की, जैसे मैं तो आज कोई बचाएंगे पकड़े जावा। ठीक है, चलिए।
चलो लड़ाई झगड़ा रंजित तो अलग बात हो, लेकिन यहाँ तो कुछ मामला ही नहीं। हमारा गांव में इसके साथ किसी की कोई रंजिश नहीं है, शरीफ लड़का, ठीक है, शरीफ लड़का है, ना किसी के लिए कोई झगड़ा पाती इसका, ना कोई लेन देन का ऐसा, ठीक है। ये तो ये देखो भी कौन मिला रहा इसके पीछे, काम धंधा तो ये ठंडा ही था, काम धंधा खेती बड़ी छोटा भी देते थे, खराब है। एक बहन है साथी लड़का है, ये लड़का बहन नाम मीत, मीत तो क्या लगता है कि अभी पोस्टमार्टम करवा दी, क्या करना आप, मतलब क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? हमारी तो क्या प्राथमिकता है जी, जांच निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बड़े हमारी तो यही मांग है, पुलिस अपनी निष्पक्ष भाव से जांच करे और दोषियों को जल्दी। ये लड़का आपको बड़े बड़े एक 31 साल के लड़के की सरेआम हत्या कर दी जाती है और वो खेतों में उसका शव मिलता है, तो ऐसे में क्या दर्शाता है आज के समय में, मतलब कोई देख नहीं है और किसी का एतबार नहीं, अगर रिश्ते नाते की भी बात करें ये मांग है आपकी, कोई किसी का साथ लगता है। तो भाई सुदकण कला के सभी जो वासी गांव वासी सभी यहां पर गाम राम यहां पर आया हुआ है और बड़ी दुख की बात है कि 31 साल के लड़के की कुल्हाड़े से काटकर हत्या कर दी जाती है। बड़े सोचने की बात है भी इस प्रकार से, मतलब घूमने गया था या ऐसा नहीं है भाई किसी के साथ वो तो गुंडागर्दी में या कहीं और जा रहा था, मतलब सुबह घूमने के लिए जाते हैं तो इस प्रकार से अंजाम देना घटना को कहीं ना कहीं सोचने योग्य बात है। और आप सभी से एक अपील रहेगी कि जो अमित है उसकी जांच होनी चाहिए और इसमें आपने भी सहयोग करना है, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि अमित के हत्यारे जल्दी से जल्दी पकड़े जा सके। तो आप देख सकते हैं जो मर्डर हुआ है अमित का, उसकी कागजी कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन सदर थाना।